हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच डी आर टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप अपने जो फ़ोन के स्टोरेज है वहां से किसी भी फाइल या फोल्डर को ऑटो सिंक करते हैं गूगल ड्राइव के साथ। मतलब उस फोल्डर में आप जो भी डालेंगे वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कीजिए ऑटो सिंक फॉर गूगल ड्राइव। तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप जो है ये आपके फाइल को और गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाएगा और आपका जो स्टोरेज में जो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी कार्ड में जो फोल्डर है उसको ऑटोमेटिक सिंक कर देगा, जिससे आपका जो इंटरनल स्टोरेज में जो भी फाइल होगा वो ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा गूगल ड्राइव में। इसके लिए आपको गूगल ड्राइव इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है, आप विदाउट गूगल ड्राइव इंस्टॉल आप कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करना है, जो आपका फ़ोन में जो गूगल अकाउंट है उसी से वो कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, अब चूज़ हॉट टू सिंक। यहाँ पे तो आपको स्टोरेज परमिशन देना है पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, लेट मी क्रिएट माय ओन फोल्डर पेयर। क्रिएट टेस्ट फोल्डर पेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फाइल मैनेजर है उसमें एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, तो वो दोनों सिंक रहता है। तो इसमें आप क्रिएट माई ओन पेयर करेंगे, ठीक है। तो रिमूव फोल्डर इन गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव में आप कौन सा फोल्डर चाहते हैं। तो ये जो हो गया आपका गूगल ड्राइव का फोल्डर आ गया, तो इसमें से मैं एक कोई भी चूज़ कर लेता हूँ या फिर अपना क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू फोल्डर, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया, हो गया। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद एक्सक्लूडिंग सब फोल्डर कर लीजिए, सिलेक्ट फाइल बाय नेम्स ये आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और लोकल फोल्डर इन डिवाइस, ये आपका जो इंटरनल स्टोरेज या मेमोरी कार्ड है उसके फोल्डर आपको चूज़ करना है जिन दोनों में आपको सिंक करना है। तो इससे मैं क्या करूँगा, जो इससे मैं कोई भी एक कैमरा चूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं जो भी फ़ोटो खींचूँ वो अपलोड होता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मैंने ये कैमरा फोल्डर को चूज़ कर लिया और गूगल ड्राइव में न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, जो दोनों में मैंने सिंक कर दिया। अब जो मैं कैमरा से जो भी फ़ोटो खींचूँगा वो ऑटोमेटिकली उस गूगल ड्राइव में अपलोड होता रहेगा। ठीक है, ये देखिए अपलोड होता जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव खोलता हूँ, यहाँ पे पूछे न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर दिखेगा, न्यू फोल्डर। यहाँ पे जो है मेरा जो फ़ोटोज़ रहता है, मतलब कैमरे से लिया हुआ फ़ोटो, एक के बाद एक अपडेट होता जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।